नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धार्मिक खबर महेश्वर से। महेश्वर में लगातार 13वें वर्ष भी महामृत्युंजय यात्रा मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पूर्व निकाली गई। यात्रा अहिल्याबाई नगरी महेश्वर की गलियों से होती हुई महेश्वर के मनोरम घाट पर पहुंची। घाट पर पहुंचने के बाद मृत्युंजय भगवान और नर्मदा मैया का मिलन कराया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा माँ नर्मदा की आरती की गई। यात्रा में 1500 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें इंदौर के स्वाध्याय भवन से जुड़े शिष्य विशेष रूप से सम्मिलित थे। जी, ये क्या कार्यक्रम है? ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हम लोग महामृत्युंजय की रथ यात्रा निकालते हैं जी। इसका एक दिन पहले भोलेनाथ पूरे साल बंद रहते हैं, पैक रहते हैं वो जी, तो उसको फिर एक ही दिन के लिए निकाला जाता है। संक्रांति के पहले शनिवार जी वो दोपहर में निकाला जाता है, रात को उसकी पूजा होती है जी। वो पूजा विशेष मानी गई है और साल में सिर्फ एक ही बार पूजा होती है, तो हमारे गुरुदेव ने इसको ऋग्वेद यजुर्वेद से निकाला है जी। इसके पूजा के विधान से मतलब जो शंकर भगवान है उनमें पावर आ जाता है जी, तो वो जल्दी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं जी। और उनको पूजा करके रात को उसके बाद दूसरे दिन हम सब पुनः उन्हें नहला के श्रृंगार करके और उनको महेश्वर की सैर कराते हैं। अच्छा। और वो नर्मदा से उनका मिलन होता है। अच्छा, तो ये अभी जो यात्रा गई है ये नर्मदा जी के घाट पर गई है? हाँ, नर्मदा जी के घाट पर। तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा घाट पर? ये ऐसा माना जाता है कि शिव का नर्मदा से मिलन होता है जी। शिव नर्मदा को अपनी पुत्री मानते हैं जी, उनका मिलन होता है और हम यहाँ पर नर्मदा की आरती करते हैं, प्लस नर्मदा का प्रसाद बांटते हैं, हलवे का।